जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हमारे सामने दुर्गजा क्ले शब्द का इस्तेमाल किसी स्थान के लिए किया जाता है तो हमारे मन में एक तस्वीर उभरती है। ऊंची ऊंची दीवारें, तोप और दुश्मन को घेर कर मारने के लिए बनाई गई मजबूत संरचनाएं। लेकिन दोस्तों, बारंगल किला इन तस्वीरों से बिल्कुल अलग है। यह दक्षिण भारत के एक बड़े राजवंश की सत्ता को कायम रखने के लिए विशाल गढ़ के रूप में बनाया गया था, लेकिन यह पत्थरों पर की गई नक्काशी और कारीगरी के लिए फेमस है। इसको 13वीं शताब्दी के काकतीय वंश के शासकों ने बनाया था, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद कुतुब राजवंश ने यहाँ शासन किया। उस दौरान इस किले का विनाश शुरू हो गया और यह खंडरों में बदल गया। लेकिन इसके खंडरों में भी वो आकर्षण है कि तमाम दुनिया के पर्यटक इसकी ओर खींचे चले आते हैं। इसके शिल्प और स्थापत्य कला की अपनी अनेकों विशेषताएं हैं, जो इस किले को रहस्यमय बनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बीच में एक विशाल काय शिव मंदिर था, जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग स्वयंभू रूप में था। लेकिन मंदिर का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। इतिहासकार मानते हैं कि यह किला होते हुए भी उस समय एक लोकप्रिय धार्मिक केंद्र था। लेकिन इसके सभी पहलुओं पर अगर ध्यान दें तो सबसे पहले ध्यान जाता है इन विशालकाय दरवाजों पर, जो 33 फीट ऊंचे और चारों दिशाओं में मौजूद हैं। इनसे कोई भी दीवार नहीं लगी हुई है। अब सवाल उठता है कि यूं ही एक बड़े मैदान में क्यों बनाया गया। पुरातत्वविदों के अनुसार यह भारत में मौजूद मेहराब द्वार सबसे प्राचीन रहस्यमयी संरचनाएं हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में काकतीय कला थोरनम कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि हाथियों की ऊंचाई को देखते हुए इनको बनाया गया। तो सोचो, हाथी की ऊंचाई एशिया के अंदर 10 फीट के करीब होती है, लेकिन यह तो 33 फीट ऊंचे बनाए गए हैं, जो कि 5 फीट ऊंचे प्लेटफार्म पर बनाए गए हैं। तो क्या इनसे निकलने के लिए पहले कोई 5 फीट चढ़ेगा? नहीं दोस्तों, इसका उद्देश्य कुछ और था। वैसे भी इन रहस्यमयी संरचनाओं का निर्माण किसने किया, यह बागनल किले का सबसे बड़ा रहस्य है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस किले का जीर्णोद्धार 800 साल पहले हुआ, लेकिन इनको उस वक्त से 1000 साल पुराना माना जाता है। इसको क्यों और किसने बनवाया, इसके बारे में विशेषज्ञों के पास कोई भी जवाब नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार उनकी मिथक कथाओं में इन दरवाजों को विशालकाय महादानवों ने बनाया था, जो कि बहुत ताकतवर थे, हम लोगों से बहुत लंबे थे। इन विशालकाय मेहराबनुमा दरवाजों को उस समय के सामान्य मानव द्वारा बनाया जाना असंभव था। इन मेहराबों का एक अनुमानित वजन 130 टन के आसपास बताया गया है, और ये ऐसे कई पत्थरों के ब्लॉक से मिलकर बनाए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतने भारी विशालकाय ब्लॉक्स को उठाकर 33 फीट ऊंचाई पर कैसे रखा गया। इस बात का जवाब इस मेहराब पर उकेरी गई आकृति से मिलता है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। दूसरी ओर इंग्लैंड में मौजूद पत्थर की स्टोनहेंज, जो कि महाकाय पाषाण युग की ओर इशारा करती हैं, इसमें एक महाकाय मानव द्वारा इस मेहराब के पत्थर को उठाते हुए दिखाया गया है, जो कि निश्चित रूप से एक विशाल पत्थर का ब्लॉक है। तो अब सवाल उठता है कि क्या यह रहस्यमयी दरवाजे स्टोनहेंज युग के हैं? यह मात्र एक संयोग है। इसका मतलब ऐसे महाकाय मानव सारी दुनिया में मौजूद थे, जिन्होंने ऐसी असाधारण प्रतिमाओं का निर्माण किया। इन दरवाजों से जुड़ी इतिहास में एक बड़ी ही रोचक घटना है। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य कमांडरों ने इन मेहराबों को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन वह कर नहीं पाए, जबकि उन्होंने बाकी की संरचनाओं को नष्ट किया। इस बात से आप सोच सकते हैं, जिन संरचनाओं को मानव नष्ट नहीं कर पाया, तो उसे बनाना उस मानव के लिए तो नामुमकिन है। दोस्तों, यह बात तो निश्चित है, यह कोई साधारण प्रवेश द्वार तो नहीं है। इनका उद्देश्य उस समय कोई अति उन्नत विज्ञान प्रयोग के लिए किया गया था। यह किसी प्राचीन वेधशाला के समान कोई विशाल उपकरण लगते हैं। इसके लिए हमें इसे सूर्य को इससे जोड़कर देखना होगा।
यदि हम दोनों दरवाजों के ईस्ट और वेस्ट के बीच की दूरी को नापें तो यह 433 फीट होती है। इसी प्रकार यदि हम नॉर्थ और साउथ गेट के बीच की दूरी को नापें तो यह 480 फीट होती है। अगर हम इन दूरियों का अनुपात निकालें तो यह 1.108 आता है, जो कि हिंदू धर्म के अंदर 108 नंबर को रहस्यमय नंबर माना जाता है। दोस्तों, इस किले की शिल्प और स्थापत्य कला से जुड़े ऐसे बहुत से रहस्यमय पहलू अभी बाकी हैं, जिन्हें आप मेरी आने वाली अगली वीडियो में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद जरूर आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।